हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये दोस्तों, आप भी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए किसी भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कैप्चा टाइपर जेट डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है जहाँ पर ऐसा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि आप डेली के दिन के यहाँ पर 1000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी कुछ काम करके दोस्तों, कैप्चा एंट्री करके, टाइपिंग वर्क करके। सो क्या सच में दोस्तों ये जो वेबसाइट है रियल है, फेक है, यहाँ पर वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहली बात दोस्तों, इस वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको कुछ इंटरफेस दिखाया जा रहा है, पेमेंट इंटरफेस के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे पास पेमेंट मोड भी है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो सबसे पहले उसकी अबाउट अस इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करते हैं। बात करें दोस्तों इस वेबसाइट की, तो इसकी अबाउट अस इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों, अगर इसके कॉन्टैक्ट अस डिटेल की बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई भी कस्टमर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें दोस्तों इस वेबसाइट की या फिर इस प्लेटफॉर्म की, क्या सच में हमें यहाँ से पैसे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, चलिए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमको यहाँ पर जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह भी दिखाया जा रहा है कि यार इसके ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक वर्क नहीं करते। अगर आप उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिंक करते हो तो वो आपको जरूर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, फेसबुक पर भेजेंगे, लेकिन दोस्तों उनके कोई भी प्रॉपर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे है उस पर नहीं भेजेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, उनके लिंक जो है सोशल मीडिया के वो पूरी तरीके से फेक है। अब बात मैं ये बता दूँ दोस्तों कि आपको कि जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट आ रही है या फिर अर्निंग से रिलेटेड वेबसाइट आ रही है, ये क्या कर रही है दोस्तों, आपको जो है लुभावने ऑफर दे रही है, अच्छे अच्छे ऑफर दे रही है, आपको वर्किंग के लिए बुला रही है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर वर्क कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों ये जो लोग हैं आपको एक्यूरेसी के नाम पर लूटेंगे कि भाई आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, आपकी एक्यूरेसी खराब है, आपने सही तरीके से वर्क नहीं किया है। अभी तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने ऑफ कर लिया, मतलब जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन चालू उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी जो है यहाँ पर आप अगर नए पर्सन तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। डेमो अकाउंट में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, वहां पर वर्किंग करने के लिए दिखा दिया जाएगा कि ऐसे तो वर्क हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि कोई भी वेबसाइट है, कोई भी प्लेटफॉर्म दोस्तों आपसे जॉब के नाम पे, कैप्चा एंट्री के नाम पे, डाटा एंट्री के काम पे अगर कोई भी पैसा चार्ज करता है कि भाई तुम इतने पैसे दे दो, आपको ये वर्क मिलेगा, आप इतने इतने पैसे कमा लोगे, तो वो सारे प्लेटफॉर्म दोस्तों कहीं ना कहीं फेक प्लेटफॉर्म होते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो ऐसे होते हैं कि दोस्तों आपसे वर्क तो निकाल लेते हैं, काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन किसी तरीके का पेमेंट नहीं देते हैं। भाई इस वेबसाइट के भी आपको कोई भी पेमेंट प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा किसी भी वेबसाइट पर, या फिर कहीं भी आपके इसके पेमेंट प्रूफ सर्च कर लो या कुछ भी कर लो, आपको पेमेंट प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना यही आ रहा था कि हम यहाँ पर वर्किंग करें या नहीं करें, क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप नए यूजर हो चाहे पुराने यूजर हो, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि दोस्तों इतने ज़्यादा पैसे कोई नहीं देता। डेली के 1000 रुपये आप सोच रहे हो कि कोई कैप्चा एंट्री का वर्क मिलेगा हमको, यहाँ से हम 1000 रुपये कमा लेंगे, तो ये सब झूठी बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके भी कुछ रिव्यूज़ हो या फिर आप भी इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो और भी लोगों की हेल्प हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप वेबसाइट के बारे में पूछेंगे तो मैं इसे अनसेफ ही बताऊंगा, सेफ के क्राइटेरिया में इसे नहीं रखता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसकी मिसिंग है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद जय भारत।